महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिंदगी। आज होमवर्क लाए हैं, स्पेशल होमवर्क फॉर हॉलीडेज, छुट्टियों का स्पेशल होमवर्क आपके लिए भी और बच्चों के लिए। वैसे तो कहते हैं 25% छुट्टियों में निकल जाता है बच्चों का स्कूल का दिन, लेकिन आज आपके लिए लाए हैं इन छुट्टियों के साथ। कहते हैं अगर हमने जो अभी लौकिक पढ़ाई करवा रहे हैं वह 3% या 4% हमारे जीवन में काम आती है और 96% बच्चा आपको देखते देखते सीखता है, संस्कारित होता है। आज हम उसी संस्कार के लिए आपसे इस 5 मिनट के एपिसोड में दिखाने आए हैं। एक बार हमारे साथ जरूर देखिएगा और अगर सुधर जाए तो हमें एक बार याद करिएगा, और नहीं सुधरे तो जितना मर्जी कोसिएगा पर एक बार पालन करिए, क्योंकि हमारा आपसे यही अनुरोध है इन छुट्टियों के होमवर्क के साथ। समय नहीं है आपके पास और ना ही बच्चों के पास, एक के पास काम और दूसरे के पास होमवर्क। ऐसे में कुछ क्षण एक साथ जीवन जिए आनंद के साथ। सुबह उठें तो सबसे पहले बड़ों के चरण स्पर्श अवश्य करें और छोटों को जय जिनेंद्र कहने में स्वयं पहल करें, बच्चों से भी। अब सप्ताह में एक या दो दिन बच्चों के साथ बैठकर भोजन करें, डाइनिंग टेबल पर बैठकर या जमीन पर चटाई पर। प्लेट में जितने की भूख हो उसे थोड़ा कम लें, चाहे फिर दोबारा ले लें, पर खाने के बाद प्लेट खाली हो उसमें बचा ना छोड़ें और उसकी अहमियत बच्चों को भी बताएं। आज रोजाना जितना चाहिए उससे 2 गुना खाना बनता है और तब भी 1/3 भारत भूखा ही सोता है। खाने के बाद अपनी प्लेट खुद उठाएं और यह देख बच्चे स्वतः अपनी प्लेट उठाने लगेंगे। अगर बुरा ना लगे तो स्वयं धोकर भी रख दें, पत्नी खुश होगी, नौकर नौकरानी मुस्कुराएंगे और आप बच्चों की नींव भी संस्कारित कर पाएंगे। एक साथ रविवार को अड़ोसी पड़ोसी के घर जाएं कुछ फल लेकर, पर वो भी कभी नहीं आया यह मत सोचें। आप इस क्रम को तोड़ दें, उनके सुख दुख के बारे में पूछें, चाय पानी जरूर एक बार पीकर आएं। बच्चे कौतूहल से देखेंगे और सुनेंगे और फिर उन्हें घर पर आमंत्रित करें। पड़ोसी से रिश्ते जीवन में बहुत काम आते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल या इंटरनेट पर मगन रहते हैं, उन्हें घर के बाहर पार्क आदि में बच्चों के साथ खेलने भेजें। पहले दिन स्वयं भी जाएं, बच्चों में बच्चा बन जाएं। कपड़े गंदे कर लेगा पर यह दाग आगे जीवन के लिए अच्छे होते हैं, उसमें प्रेम व दूसरों की तकलीफें और खुशियों को समझने का मौका मिलेगा। बच्चे गिरेंगे, चोट लगेगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, पर यह कभी कभी अच्छा भी होता है। जिंदगी की चुनौतियों के लिए इसको ध्यान रखिए। शहर के 80% लोग किसी न किसी गाँव से जुड़े होते हैं, एक बार उसे अपने पैतृक गाँव लेकर जाएं। वहाँ बच्चों को उसके हाथ से कोई उपहार आदि बांटने को दें और वह मुस्कान गाँव में बिखेरिए। खेती के बारे में बताएं, किसान कैसे बीज को संभाल कर अन्न उपजाता है एक बार रूबरू तो कराएं। दादा दादी नाना नानी से मिलाएं, वे कहानियां सुनाएंगी जो आगे जीवन में सबब बनेंगी। हाँ, उसे अपने काम वाले स्थान पर भी ले जाएं, अपने सहकर्मियों से मिलाएं, वे देखें कि पिता आपके लिए किस मेहनत से कमाता है। आज के बच्चे ऑनलाइन खरीदारी तक सीमित ना रह जाएं, माँ कभी घर की चीज़ें खरीदारी के लिए दुकान पर ले जाए, चीज़ों की परख व पहचान का ज्ञान होगा। हाँ, इन दोनों में उन्हें चॉकलेट, जेली, क्रीम केक, कैंपा कोला, पेस्ट्री, चिप्स, नूडल आदि से दूर रख सकें तो क्या कहने। और इन दिनों जब साथ बैठें तो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि से 2-3 घंटे दूर रहें तो जीवन में आनंद का पूरा मजा मिलेगा। अंताक्षरी, कोई पुराना खेल, लीडो, सांप सीढ़ी, शतरंज आदि खेल कर देखें। बच्चे से उसकी आंखों में आंख डालकर बात करें, वो क्या बनना चाहता है उसकी सुनें और फिर उसके सपने बुनें। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना सिखाएं, गरीब बच्चों को टॉफी या कोई वस्तु बच्चे से दिलवाएं, उसे खुशी मिलेगी और दुआ भी। किसी दिन ऐतिहासिक स्थल का जैसे चिड़ियाघर, म्यूजियम आदि लेकर जाएं व उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। बच्चों के साथ स्वयं भी रात को बिस्तर पर सोने से पहले भगवान को याद करें, इससे बुरे सपने भी नहीं आते और दिन में क्या सही गलत किया उस पर चिंतन करें। यह होमवर्क था, कठिन नहीं है, लेकिन नैतिकता और हमारे भारतीय संस्कृति को अपने अंदर लाने के लिए, अपने बच्चों में आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए आगे बढ़ें, बहुत पढ़े मानते हैं, लेकिन उनको सुधार के लिए हमारा अनुरोध है आपसे कि एक बार एक छुट्टियों में इसको करें, स्पेशल हॉलीडे होमवर्क फॉर यू। आप भी करें, बच्चों को भी कराएं, अवश्य ही जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा।